हेलो गाइस, डॉक्टर ट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। विटामिन ई का यूज सभी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में होता है, साथ ही विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं जिन्हें एवियन कैप्सूल के नाम से जानते हैं। इनको भी आप आसानी से मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। इसके ढेरों सारे फायदे होते हैं बालों, स्किन और नेल्स के लिए। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे कि विटामिन ई कैप्सूल के ऑयल को हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। कई बार चेहरे पर पिगमेंटेशन यानी कि झाइयां हो जाती हैं, जो चेहरे पर देखने में बहुत भद्दी लगती हैं। इससे चेहरे की सुंदरता खत्म हो जाती है, साथ ही जो चेहरे का ग्लो होता है वो भी काफी हद तक कम हो जाता है। तो आप विटामिन ई कैप्सूल की मदद से चेहरे पर इन पिगमेंटेशन को काफी हद तक कम कर सकते हैं। आपको करना इतना है कि विटामिन ई कैप्सूल के ऑयल को निकालकर जहां भी आपको ब्लैक स्पॉट्स हो चेहरे पर, जहां भी पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा है, वहां पर मसाज करनी है। इसे रात भर के लिए छोड़ना है और उसके बाद सुबह फेस वॉश कर लेना है। इसे आप रेगुलर तरीके से करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपकी झाइयां काफी हद तक कम हो जाएंगी और चेहरे पर ग्लो दिखने लगेगा। कुछ लोगों के नाखूनों का रंग बहुत अजीब होता है, जो देखने में थोड़ा सा भद्दा लगता है। इसके साथ ही कुछ लोगों के नाखून बहुत कमजोर और मुलायम होते हैं, जो छोटे से काम पर ही टूट जाते हैं। अगर आपके नाखून भी ऐसे हैं तो आप इनको चमकदार और मजबूत बना सकते हैं विटामिन ई कैप्सूल से। आपको करना सिर्फ इतना है कि विटामिन ई कैप्सूल का ऑयल निकालना है और उसे नाखूनों और नाखूनों के आसपास की स्किन पर मसाज करनी है। ऐसा आप रात में करेंगे और रात भर के लिए उन्हें छोड़ देंगे। इससे आपके नाखून कुछ ही दिनों में मजबूत और चमकदार हो जाएंगे। आप में ये कॉन्फिडेंस का एक कारण बन सकते हैं। कई लोगों को बालों के झड़ने की, बालों के कमजोर होने की, बालों में रूखापन होने की या असमय सफेद होने की समस्या होती है। कुछ लोगों को डैंड्रफ इस हद तक होता है कि खुजाते खुजाते कई बार ब्लड निकलने लगता है। तो इन सब का भी सॉल्यूशन विटामिन ई कैप्सूल आसानी से कर सकता है। आप जो भी हेयर ऑयल यूज करते हैं उसमें एक विटामिन ई कैप्सूल का ऑयल निकालकर डालें, उसे अच्छे से मिलाएं और इससे बालों को मसाज करें और 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद में किसी शैंपू से धो लें। अगर आप हफ्ते में एक बार ऐसा करेंगे तो आपके बालों की सभी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। आपके बाल मजबूत, काले और घने हो सकते हैं, साथ में डैंड्रफ की समस्या भी काफी हद तक कम हो जाएगी। कई लोगों के चेहरे पे समय से पहले झुर्रियां आने लगती हैं, यहां तक कि आंखों के आसपास भी बहुत ज्यादा बुढ़ापा झलकने लगता है। तो आपको बता दूं कि विटामिन ई कैप्सूल में एंटी एजिंग गुण होते हैं। अगर आप इसको मॉइस्चराइजर के साथ में यूज करेंगे तो आपके चेहरे पर ग्लो आएगा, आपका चेहरा फिर से यंग दिखने लगेगा, साथ ही ये आपके चेहरे को अच्छे से मॉइस्चराइज रखेगा। अगर आपके चेहरे पर सनबर्न के निशान है या आपका चेहरा काला पड़ चुका है तो उसके लिए भी ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। इसको मेल और फीमेल दोनों ही यूज कर सकते हैं, दोनों की स्किन के लिए प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। विटामिन ई कैप्सूल बालों, स्किन, नेल्स सभी के लिए बहुत काम की चीज है और इनके बारे में मैंने आज आपको बताया है। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।